फिर से आपका नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फायरबोल्ट निंजा प्रो मैक्स की। इसके प्राइस की तो इसकी प्राइस है 1899। अगर आपको इसे परचेज करना है तो फ्लिपकार्ट से इसे परचेज कर सकते हो। इस वीडियो में हम करने वाले इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको 1899 में आपको इसे परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो गाइस वीडियो को शुरू। ये रहा हमारा बॉक्स। यहाँ पे हमारे फायरबोल्ट निंजा की फोटो दी गई है। 1.6 इंच का फुल टच डिस्प्ले मिल जाता है। स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स को यहाँ पे हम टेस्ट करने वाले। सो गाइस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और गाइस आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी तरीके के कंटेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइस हमने सारे स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स देख लिए। सो गाइस हम इसे ओपन कर लेते हैं। सो गाइस ये रही हमारी फायरबोल्ट निंजा प्रो मैक्स। ये रहा हमारा यूजर मैनुअल। आपको इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मेन स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है। फीचर की बात करूँ तो 9.5 mm की स्लिमेस्ट स्मार्ट वॉच है ये। आप देख सकते हो ये थोड़ी मोटी स्मार्ट वॉच है। सो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो ये स्लिमेस्ट स्मार्ट वॉच यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की तो यहाँ पे हमें अच्छा फ्रेम दिया जाता है। वॉच को साइड में रख देता हूँ, आ जाते हैं इसके एसेसरी की तरफ। यहाँ पे हमें चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा चार्जिंग केबल। यहाँ पे हमें सारे डॉक्यूमेंट्री देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस हम सारे चीज़ों को रख देते हैं साइड में। सो गाइस यहाँ पे बात करूँ डिस्प्ले की तो 1.6 इंच का फुल टच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बात करूँ स्ट्रैप्स की तो यहाँ पे हमें सिलिकॉन स्ट्रैप्स देखने को मिल जाता है एंड काफ़ी कम्फर्टेबल है। एंड गाइस ये काफ़ी लाइट वेट स्मार्ट वॉच देखने को फायरबोल्ट की ब्रांडिंग दी गई है। कलर्स की तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे कलर्स देखने को मिल जाते हैं। मैंने इसे ब्लैक एंड गोल्ड कलर में परचेज कर लिया था। पीछे यहाँ पे हमें सारे सेंसर्स मिल जाते हैं, चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। सो गाइस अब बारी आ चुकी है इसे ऑन करने की। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो गाइस इसे ऑन कर लेते हैं। तो फायरबोल्ट आ चुका है और ये ऑन होने वाली है। करें लेफ्ट साइड यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें सारे सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें ब्राइटनेस का ऑप्शन, वाइब्रेशन मोड मिल जाता है। यहाँ पे हमें टॉर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वेदर, एंड यहाँ पे हमें सेटिंग्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे नीचे बात करें तो यहाँ पे मैसेज, स्टेप्स, स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम, एक्सरसाइज मेजर, शटर बटन मिल जाता है, प्लेयर, फ्लैशलाइट देखने को मिल जाता है। सेटिंग्स की बात करें तो अलार्म देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। सो गाइस ये फ्यूचर मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला, क्योंकि गाइस यहाँ से हम अलार्म को सेट कर सकते हैं। ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। यहाँ पे हमें थिएटर मोड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। साइड स्क्रॉल करोगे तो स्टेप्स मिल जाता है, स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, मेजर हार्ट रेट, SPO2, एक्सरसाइज, वेदर का अपडेट मिल जाता है, शटर बटन मिल जाता है, प्लेयर भी देखने को मिल जाता है। तो बात करो वाटर रेस्टेंट की तो IP68 वाटर रेस्टेंट देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्विमिंग के टाइम पहन सकते हो या फिर आपको मॉनसून के टाइम पहनना है तो आप वहाँ पे भी पहन सकते हो। अगर आपको लाइट वेट स्मार्ट वॉच चाहिए तो आप इसे परचेज कर सकते हो, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैंने स्मार्ट वॉच को अप्रोच को पहना है। आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी लाइट वेट देखने को। यहाँ पे हेल्थ सूट को टेस्ट करने की तो यहाँ पे हम हेल्थ सूट को टेस्ट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे 63 BPM दिखा रहा है, अभी 64। सो गाइस मुझे लग रहा है काफ़ी एक्यूरेट दिखा रहा है। SPO2 मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करें तो मैंने इसे कर दिया ऑन। सो गाइस यहाँ पे 97% दिखा रहा है। सो गाइस आप यहाँ पे स्पोर्ट मोड्स मिल जाते हैं, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्लाइंबिंग, टेनिस, रग्बी, गोल्फ, योगा, जिम, डांसिंग, बास्केटबॉल जाता है, स्कीपिंग मिल जाता है, बॉलिंग, डम्बल, सिटअप्स ऑन फुट, इंडोर वॉकिंग, इंडोर रनिंग भी मिल जाता है। सेवन स्पोर्ट मोड्स देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे टेबल पे ये मेजर करता है या फिर नहीं। आप अभी देख सकते हो टेबल पे भी 85-86 दिखा रहे हैं। इसका हार्ट रेट सेंसर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे टेबल पे भी ये मेजर कर लेता है। ऐप की तो यहाँ पे आपको डाफिट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो निंजा प्रो मैक्स आ चुका है तो उस पर यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। सो गाइस ये हो चुकी है कनेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो 61% चार्जिंग है। यहाँ से आप वॉच फेसेस को भी चेंज कर सकते हो। 200+ क्लाउड वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। वॉच गाइस यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन का सपोर्ट मिल जाता है। आप यहाँ से सबको ऑन कर सकते हो, अलार्म यहाँ से सेट कर सकते हैं आप। एंड गाइस यहाँ पे शटर बटन देखने को मिल जाता है, अलाउ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे शटर बटन हो चुके हैं ऑन। एंड गाइस यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे सेकंड्स आ चुके हैं तो ये फोटो अभी क्लिक हो जाएगा। देख सकते हो फोटो क्लिक हो चुका है। ऑन कर सकते हो हार्ट रेट वार्निंग को भी, यहाँ पे आप ऑन कर सकते हो। करे तो स्टेप्स मिल जाते हैं, स्लीप, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, आउटडोर रनिंग का सपोर्ट मिल जाता है। इसको कर देता हूँ ऑन। सो गाइस ये हमारा पॉज पे क्लिक करूँगा तो ये पॉज हो जाएगा, वापस क्लिक करूँगा तो ये प्ले हो जाएगा।
सो गाइस नेक्स्ट म्यूजिक पे जाना है तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए एंड वापस प्रीवियस म्यूजिक पे जाना है तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कॉल कंट्रोल के लिए यहाँ पे कॉल टेस्टिंग के लिए लगा दिया था। सो गाइस यहाँ से आप म्यूट कर सकते हो एंड यहाँ से आप कॉल डिक्लाइन कर सकते हो। सो गाइस ये मैंने कर दिया यहाँ पे म्यूट एंड यहाँ से मैं कर दूंगा कॉल कट। सो गाइस यही थे सारे स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। सो गाइस यहाँ पे हमें स्मार्ट नोटिफिकेशंस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो गाइस यही थे सारे स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स फायरबोल्ट निंजा प्रो मैक्स के। यहाँ पे हेल्थ सूट टेस्ट किया है, म्यूजिक कंट्रोल एंड कैमरा कंट्रोल को भी टेस्ट कर लिया है। मेन कंक्लूजन की तरफ तो यहाँ पे हमें गाइस आपको 1899 में आप इसे परचेस कर सकते हो, क्योंकि गाइस यहाँ पे हमें 9.5 mm की स्लिम है स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है एंड गाइस यहाँ पे हमें काफी अच्छे स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स भी देखने को मिले हैं। सो गाइस 1899 में आप इसे परचेस कर सकते हो। सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।